नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरी चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ। वैज्ञानिक सलाहकार मंडल के चीफ डॉक्टर शाहिद जमील ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, ये कोरोना ने एकदम से भारत में विकराल रूप ले लिया है और इससे इस तरीके से समझा जा सकता है कि कोविड के बाद से ही डॉक्टर और वैज्ञानिकों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर उनके पास सही आंकड़े ना हो, डाटा सही ना हो, तो आप खुद ही समझिए कि वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होंगे। और भारत के सार्स कोविड जीनोम कंसोर्शियम के वैज्ञानिक सलाहकार मंडल के चीफ डॉक्टर शाहिद जमील ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये अपने आप में काफ़ी गंभीर है। और सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जमील मानते हैं कि भारत में अधिकारी एक सेट पॉलिसी के तहत ही सबूतों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी सीरियस है। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में कहा है कि भारत में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पॉलिसी बनाने को लेकर के अड़ियल रवैये का सामना करना कर रहे हैं। और भारत के कोविड मैनेजमेंट में कई समस्याएं हैं। इनमें कम टेस्टिंग, धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन और वैक्सीन की कमी आदि भी शामिल है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्क फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सभी उपायों को लेकर के भारत में उनके साथी जो हैं उनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्हें तथ्यों के आधार पर पॉलिसी बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काफ़ी अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। 30 अप्रैल को 800 से ज़्यादा भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से ये अपील भी की थी कि उन्हें डाटा मुहैया कराया जाए ताकि वो वायरस के बारे में एक्यूरेट अंदाज लगा सकें और उसे रोकने के लिए एक स्टडी तैयार कर सकें। और डाटा के आधार पर अगर फैसला ना लिया जाए तो ऐसी आपदा में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत में महामारी इस समय नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जाने इस समय जा रही हैं वो कभी ना मिटने वाला जख्म दे जाएंगी, यानी कि उन्होंने इसको काफ़ी सीरियसली लिया है, काफ़ी दिल पे लिया है। और उन्होंने इस बारे में मार्च में ही चेता दिया था और कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टर जमील ने मार्च में इस बारे में चेतावनी दे दी थी कि भारत में नया और एक बेहद गंभीर और खतरे वाला वायरस फैलने जा रहा है। और ये जो वायरस है B1617 वेरिएंट की वजह से ही देश इस समय पूरी तरह से दूसरी लहर से गुजर रहा है। इस सवाल पर कि सरकार इन तथ्यों पे ज़्यादा तेज़ी से काम क्यों नहीं कर रही है, डॉक्टर जमील कहते हैं कि हमें चिंता है कि अधिकारियों ने एक पॉलिसी सेट कर ली है, इसी के चलते वो सबूतों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जमील से जुड़े हुआ अपडेट। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए, लाइक करने में तो कुछ ज़्यादा ही नहीं है, आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है, पूरा देश जानना चाहता है, आपके सारे साथी सहयोगी जानना चाहेंगे, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।